अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। लेकिन सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन है तो राइट साइड पे भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर लेफ्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन है तो राइट साइड पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट इक्वेशन की राइट साइड पे होते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अगर कोई नंबर कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो नंबर तमाम एलिमेंट्स के लिए काउंट होगा। लाइक इन दिस एग्जांपल, कार्बन के कितने एटम्स हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2 × 2 = 4। इस कंपाउंड में कार्बन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। अगर कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर हो तो वो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक इन दिस एग्जांपल, एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं 4, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3 × 4 = 12, ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 3 × 4 = 12। इस कंपाउंड में आयरन के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, और इस कंपाउंड में कैल्शियम का 1 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। नाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम इन 4 पॉइंट को एक सीक्वेंस से फॉलो करेंगे। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल्स को, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन को, और कोई भी चेंज आने पे इन तमाम पॉइंट्स को शुरू से फॉलो करेंगे। नाउ वी बैलेंस सम इक्वेशन। इस इक्वेशन में पोटाशियम इज मेटल। लेफ्ट साइड पे पोटाशियम का 1 एटम है और राइट साइड पे पोटाशियम का 1 एटम है। सो मेटल इज बैलेंस। क्लोरीन इज नॉन मेटल। लेफ्ट साइड पे क्लोरीन का 1 एटम है और राइट साइड पे भी क्लोरीन का 1 एटम है। सो नॉन मेटल इज बैलेंस्ड। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं लेकिन राइट साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 2 से। इस तरह लेफ्ट एंड राइट साइड पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के एटम 6 हैं और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन के एटम 6 हैं। कोई भी चेंज आने पे उन 4 पॉइंट को शुरू से फॉलो करेंगे। लेफ्ट साइड पे पोटाशियम के 2 एटम्स हैं लेकिन राइट साइड पे पोटाशियम का 1 एटम है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पोटाशियम को बैलेंस करने के लिए। अब लेफ्ट साइड पे पोटाशियम के 2 एटम्स हैं और राइट साइड पे भी पोटाशियम के 2 एटम्स हैं। लेफ्ट साइड पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और राइट साइड पे भी क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड।
इन एन अदर इक्वेशन लेफ्ट साइड पे कार्बन का एक एटम है और राइट साइड पे भी कार्बन का एक एटम है, सो कार्बन इज बैलेंस्ड। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं और राइट साइड पे ऑक्सीजन का एक एटम है, तो इसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और कोई भी चेंज आने पे उन फोर पॉइंट को शुरू से फॉलो करेंगे। लेफ्ट साइड पे कार्बन का एक एटम है लेकिन राइट साइड पे कार्बन के दो एटम्स हैं, तो इसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन को बैलेंस करने के लिए। दोबारा से उन फोर पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, लेफ्ट साइड पे कार्बन के दो एटम्स हैं और राइट साइड पे भी कार्बन के दो एटम्स हैं, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस इक्वेशन में एल्यूमिनियम इज मेटल, लेफ्ट साइड पे एल्यूमिनियम के फोर एटम्स हैं और राइट साइड पे एल्यूमिनियम का एक एटम है, तो इसे फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए। कार्बन इज नॉन मेटल, लेफ्ट साइड पे कार्बन के थ्री एटम्स हैं और राइट साइड पे कार्बन का एक एटम है, तो इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन को बैलेंस करने के लिए। एल्यूमिनियम इज बैलेंस्ड, कार्बन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं और राइट साइड पे हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व, हाइड्रोजन के एटम्स थ्री मल्टीप्लाई फोर ट्वेल्व, राइट साइड पे हाइड्रोजन के एटम्स 24 हैं और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। एल्यूमिनियम इज बैलेंस्ड, कार्बन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम चेक करते हैं, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 12 हैं और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 12 हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 12, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस इक्वेशन में मैग्नीशियम इज मेटल, लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम के थ्री एटम्स हैं और राइट साइड पे मैग्नीशियम का एक एटम है, तो इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन के टू एटम्स हैं और राइट साइड पे नाइट्रोजन का एक एटम है, तो इसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं और राइट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, राइट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 12 हैं और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड पे इक्वल करने के लिए। मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम चेक करते हैं, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 6 हैं और राइट साइड पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 6 है, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस इक्वेशन में मैग्नीज इज मेटल, लेफ्ट साइड पे मैग्नीज का एक एटम है और राइट साइड पे भी मैग्नीज का एक एटम है, सो मेटल इज बैलेंस्ड। क्लोरीन इज नॉन मेटल, लेफ्ट साइड पे क्लोरीन का एक एटम है और राइट साइड पे क्लोरीन के फोर एटम्स हैं,
तो इसे फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। मैग्नीज इज बैलेंस्ड, क्लोरीन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स फोर है और राइट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स टू है, तो इसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। मैग्नीज इज बैलेंस्ड, क्लोरीन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम चेक करते हैं। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स टू है और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम टू है, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन बाय योरसेल्फ। इस इक्वेशन में कॉपर इज मेटल, लेफ्ट साइड पे कॉपर का एक एटम है और राइट साइड पे भी कॉपर का एक एटम है, सो मेटल इज बैलेंस्ड। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन का एक एटम है और राइट साइड पे नाइट्रोजन के दो एटम है, तो इसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। कॉपर इज बैलेंस, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम सिक्स है और राइट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम टू है, तो इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करने के लिए। नौ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन का एक एटम है और राइट साइड पे ऑक्सीजन के थ्री एटम्स हैं, तो इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। दोबारा से तमाम एलिमेंट्स को चेक करते हैं, लेफ्ट साइड पे कॉपर के थ्री एटम्स हैं लेकिन राइट साइड पे कॉपर का एक एटम है, तो इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉपर को बैलेंस करने के लिए। कॉपर इज बैलेंस्ड, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन में कैल्शियम इज मेटल, लेफ्ट साइड पे कैल्शियम का एक एटम है और राइट साइड पे भी कैल्शियम का एक एटम है, सो कैल्शियम इज बैलेंस्ड। सोडियम इज आल्सो मेटल, लेफ्ट साइड पे सोडियम का एक एटम है और राइट साइड पे सोडियम के दो एटम्स हैं, तो इसे हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सोडियम को बैलेंस करने के लिए। कैल्शियम इज बैलेंस्ड, सोडियम इज बैलेंस्ड, सल्फर इज नॉन मेटल, लेफ्ट साइड पे सल्फर का एक एटम है और राइट साइड पे भी सल्फर का एक एटम है, सो सल्फर इज बैलेंस्ड। नाइट्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल, लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं और राइट साइड पे भी नाइट्रोजन के दो एटम हैं, सो नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड। हाइड्रोजन इस इक्वेशन में है नहीं, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 + 6 = 10, 6 + 4 = 10। लेफ्ट एंड राइट साइड पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 10 है, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस तरह की इक्वेशन को आप किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से स्टडी किया था, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।